बागेश्वर से अमसर कोट गिरे छिना सहित एक दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाला मोटर मार्ग खस्ताहाल की स्थिति में है। अत्यधिक मात्रा में हो रही अतिवृष्टि से अमसर कोट गिरे छिना के बीच स्थित कलमट गड्ढे में तब्दील हो गया है। वही दीवान सिंह टंगड़िया के आवासीय मकान की सुरक्षा दीवार भी टूट गई है, जिससे अमसर कोट के ग्रामीण क्षेत्रों को गुजरने वाले वाहनों और ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमसर कोट के प्रधान पति और वाहन चालकों ने प्रशासन से गड्ढे में तब्दील हुए कलमट को दुरुस्त करने और क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवारों की सूत लेने की गुहार लगाई है। जी, वहाँ पे गाड़ी निकलने की बहुत काफी सक्रिय जगह हो रही है, वहाँ पे गाड़ी निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। डबल गाड़ी तो निकल ही नहीं पा रही है वहाँ पे। अब विभाग से हमने कंप्लेंट करी है, देखो अभी कोई आता है तो देखते हैं क्या होता है। मतलब सुबह से कल शाम से गड्ढा हो रहा है, अभी तक कोई वो नहीं है, दो दिन हो गए उसको। किस प्रकार का गड्ढा है? बहुत गहरा गड्ढा हो रहा है, जिसमें से गाड़ी डूबने के बाद में निकल नहीं पाएगी उससे बिगर क्रेन के। इस तरीके की समस्या हमारे सारे ड्राइवरों को उठानी पड़ती है। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए बागेश्वर से मनोज टंगड़िया की रिपोर्ट।